आइए भक्तों, आज जानते हैं गंगा दशहरा पर करने वाला विशेष उपाय। यह उपाय करने से पितृ दोष होते हैं खत्म। आने वाला है गंगा दशहरा, पितरों को प्रसन्न करने के लिए जरूर करें ये उपाय। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गंगा दशहरा के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। अगर आप जीवन में तरक्की और उन्नति चाहते हैं तो ये उपाय कर सकते हैं। गंगा दशहरा हिंदू पंचांग का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष दशमी को मनाया जाता है। ये माँ गंगा के अवतरण का प्रतीक माना जाता है। गंगा दशहरा हिंदू पंचांग का महत्वपूर्ण त्योहार है। पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक विशेष अवसर होता है। इस दिन सूर्य ग्रह वृष राशि में प्रवेश करता है जो पितृ पक्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गंगा दशहरा पर किए गए पितृ संबंधित उपाय अत्यंत फलदायी होते हैं। इन उपायों से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। गंगा दशहरा को गंगा जयंती और भीष्म पितामह निवारण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने अपने चक्र से पृथ्वी पर गंगा नदी को अवतरित किया था। महाभारत युद्ध के बाद भीष्म पितामह ने इसी दिन शेर सैया पर लेटकर सूर्य की ओर मुख करके अपने प्राण त्याग दिए थे। गंगा दशहरा को पवित्र नदी गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा 2024 में 16 जून रविवार को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा 2024 पर पितृ तर्पण का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 4:03 AM से 5:45 AM तक, विजय मुहूर्त 5:46 AM से 6:30 AM तक, अभिजीत मुहूर्त 11:51 AM से 12:38 PM तक, दोपहर का मुहूर्त आनंद में 3:32 PM से 4:19 PM तक, विजय मुहूर्त 5:06 PM से 5:53 PM तक, शाम का मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 8:22 PM से 9:09 PM तक, रात का मुहूर्त अभिजूत मुहूर्त 11:46 PM से 12:33 AM तक। गंगा दशहरा के दिन पितृ तर्पण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह दिन पितृ पक्ष की शुरुआत का प्रतीक है और इस दिन किए गए पितृ संबंधित उपाय अत्यंत पुण्यकारी होते हैं। गंगा दशहरा के दिन पितृ को प्रसन्न करने के लिए उपाय। पहला, गंगा दशहरा के दिन सूर्योदय के पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पवित्र स्थान पर बैठकर पितरों का ध्यान करते हुए तर्पण करना चाहिए। तर्पण में जल, तिल, अक्षत, कुश, जौ, दूध, घी, शहद आदि का प्रयोग किया जाता है। तर्पण करते समय पितरों के नाम का उच्चारण करना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। दूसरा, पिंड दान। गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी के किनारे या किसी पवित्र स्थान पर पिंड दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। पिंड दान में पितरों के नाम से आटे या चावल के पिंड बनाकर उन्हें गाय, कौवा, कुत्ता आदि को खिलाया जाता है। पिंड दान करते समय पितरों के मंत्र का जाप करना चाहिए। तीसरा, दान। गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य करने भी पितरों को प्रसन्न करने का एक प्रभावी उपाय है। इस दिन गरीब ब्राह्मणों या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दक्षिणा देना चाहिए। दान में अन्न, वस्त्र, धन या कोई भी उपयोगी वस्तु दी जा सकती है। चौथा, श्राद्ध। गंगा दशहरा के दिन पितरों के नाम से श्राद्ध करना भी पितृ ऋण से मुक्ति पाने का एक उत्तम उपाय है। श्राद्ध में पितरों के नाम से भोजन बनाकर उन्हें भोग लगाया जाता है। श्राद्ध करते समय पितरों को मंत्र का जाप करना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। पांचवा, दीप दान। गंगा दशहरा के दिन सूर्यास्त के समय गंगा नदी के किनारे या किसी भी पवित्र स्थान पर दीप दान करना भी पितरों को प्रसन्न करने का एक सरल उपाय है। दीप दान में घी या तेल का दिया जलाकर उसे गंगा नदी के प्रवाहित करना चाहिए।
दीप दान करते समय पितरों के मंत्र का जाप करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति स्वच्छ और धनवान होता है। इस दिन दान्य पुण्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा की पूजा करने से ग्रहों की शांति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। गंगा दशहरा के दिन पितरों का तर्पण करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। इस दिन गंगा नदी के किनारे मेले का आयोजन किया जाता है। लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और दान्य पुण्य करते हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। घरों में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं और गंगा माता की आरती उतारी जाती है। गंगा दशहरा हमें पवित्रता, आध्यात्मिकता और पर्यावरण में महत्व का संदेश देता है। यह दिन हमें पितरों के प्रति कृतज्ञ व्यक्त करने और दान्य पुण्य करने का अवसर भी प्रदान करता है। इन उपायों के अलावा गंगा दशहरा के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों के प्रति स्नेह और कृतज्ञ व्यक्त करें, उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करें और पितरों के पसंदीदा भोजन का दान करें, उनके नाम से पेड़ लगवाए, गाय को भोजन करावे और पानी पिलाए। गंगा दशहरा पर किए गए पितृ संबंधित उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किए जाने चाहिए। इस उपायों से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।